वो देखो कम भगवान ही तो टिकते ही नहीं है। मासी जी, आपकी टिकने की उम्र चली गई। ओफो, तू चुप कर। मैं ते अपनी पे आ जाऊं तो बड़े बड़ों को टिका दूं। तो ऐ बंदा क्या चीज है? अच्छा, मेरा सामान उठा। सारा पंजाब से लाई सामान गिर गया। मैं उठाता हूं। सारा सामान गिरा देता मेरा। ओ पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैं देख लूंगी। चलो चलो मन। मासी जी, आप बिना सुधरेंगी नहीं। जब से मैं मासी जी को जानता हूँ ना मन, ऐसी की ऐसी है मासी जी। आओ इधर। मैं क्या भाभी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बहू तो चांद का टुकड़ा है। ओए जीतिया, तेरी तो तकदीर खुल गई। ये है ओपी चाचा। जीती रहो। ओए ओपी, ये झुकी किधर? बाबू जी, आया तो मेरे साथ था, पर गया किधर है बबली को बताओ। एयरपोर्ट पे अपना पासपोर्ट ढूंढते होंगे। आज पहली बार बबली ने ठीक बोला है। झुकी अंकल है तो हमारे मास्टर, पर एक ही पीस है। जीत, ओपी भाई साहब, पार्टी का सारा इंतजाम तो कर लिया ना? हाँ भाई, करतार सिंह के पोते की शादी हुई है, कोई कभी ना रह जाए। अरे आप चिंता ना करें बाबूजी, सब ठीक। अच्छा, हो जाए। अंकल, मेरे सारे दोस्तों को तो बोल दिया था ना। जीते, दोस्तों को तो बुला रहे हैं, सहेलियों का क्या होगा? बबली, कभी तो अच्छा बोला कर। ले, मैंने गलत काम बोला। तू ठीक कब बोलती है? जूते मारने चाहिए। अरे लड़की खड़ी खड़ी थक जाएगी। दीदी जल्दी आओ। हाय 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 हाय, जीता कितना सोना जो लग रहा है। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, जैसे कोई बात नहीं आती जीते को। नो मैम नो। वाह भजाई जी वाह। पानी ना पी देना, पानी ना पी देना। क्या बात है परजाई जी। पुत्र, पहले सीधा पैर अंदर रखना। जी। बैठ जा। माँ, मुझे भी बिठा। चुप कर। अरे हटो भाई, हटो हटो सब लोग। लो, मासी जी आ गए। खेलने की बारात लाई है। ये लो, अब बड़ा मजा आएगा, आप खेल खेलेंगे। मजीते, हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। बच्चे, तू हारी ना, मैं सबकी जान। जी, मेरे हाथ में इज्जत। लेकिन जीते, हमारी इज्जत का जीते का जीत ही। जी मनप्रीत, 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 जीते, जीते। अरे जल्दी कर, चक दे। बल्ले बल्ले, अल्ले आवे। अरे ले, कब बजा यार, अब फोन भी आने बज रहा। जीत निकाल निकाल, अरे निकाल यार, अरे बबली। दीदी ठीक है तो कह रही हूँ मैं। हाँ मास्टर कितने हैं? मैं हूँ ढूंढ कर लानी है। और मेरी एक गल याद रखी, तू फोन नहीं किसी को करेगा, ना किसी का फोन आएगा। हाँ प्रॉमिस मॉम। आए, आए, निकल जा। प्लीज जीते, 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 कमान जीते, कमान जीते। मर गए। गोरी मेमा दी टंगा विच की देख रही सी तुसी? तेरी माँ दा सर।
मेरा मतलब है पंजाब की मट्टी ढूंढ रहा था मैं अपनी। हाय बे, तुसी पागल तो नहीं हो गए? हो गया। ये लो मिट्टी, सुबह मिट्टी, शाम मिट्टी, मैं तो तंग आ गई उस मिट्टी के चक्कर में। सुन लो अच्छी तरह, सुंगी मिट्टी, तसल्ली हो गई, जान आ गई। नो पहले ये बताओ बाजी किसने जीती? मनप्रीत ने। शाबाश मनप्रीत, जिस तरह तू इस खेल में जीतिया ना, बिल्कुल उसी तरह या सब लोगों का दिल भी जीत लेना। खट के की लिया लाल, खट के लिया गिलासी, भंगड़ा ता सजदा जे नचे मुंडे दी मासी, के भंगड़ा ता सजदा जे नचे मुंडे दी मासी, के भंगड़ा ता सजदा। खट के लिया पापड़ा सजदा जे नचे मुंडे दा मसड़ के, पंगड़ा ता सजदा जे नचे मुंडे दा मसड़ के, पंगड़ा ता सजदा। खट के ले आया काका, ओए ते खट के ले आंदा परांदा, क्या खोज कीता ई, ओए पंगड़ा ता सजदा जे नचे मुंडे दा दादा, के पंगड़ा ता सजदा जे नचे मुंडे दा दादा, के पंगड़ा ता सजदा। खुश किता ही बोले ओए गिद्दा ता पैंदा जे नचे मुंडे दी मां, जीते मैं भी चलू तेरे साथ। तेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा यार? तू है ना। अरे छोड़ो यार, ये तो बता उस एनी का क्या होगा? पकड़ पकड़ पकड़, मां मार रहा हूँ। Yes, ma'am. चलो ऊपर चलते, मनप्रीत इंतजार करिए। ओके मॉम। ये ले। मॉम, ये क्या है? अंगूठी भाई। अंगूठी? वो किस लिए? मुंह दिखाई के लिए। मुंह दिखाई के लिए? लेकिन मॉम मैं मुंह पहले से देख चुका हूँ। उफो, ये तो रिवाज है। रिवाज? मॉम, रिवाज सिर्फ पत्नी के लिए और पति के लिए कुछ भी नहीं। मॉम मॉम ओके, यू नो आई डोंट गो अगेंस्ट योर विशेस। मॉम मैं जाऊं? जा भाई। लव यू मॉम, लव यू लव यू लव यू। आई नो यू लव मी।
लेकिन ये प्यार बढ़ने वाली तो आ चुकी है। कमाल है। अब देखिए ना, माँ ने ये अंगूठी दी है मुंह दिखाई के लिए, लेकिन मैं मुंह तो पहले से ही देख चुका हूं। दिस इज फॉर यू। थैंक यू जी। तेरे पुत्र जिद्दी रहे। बाजी चाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, आ गया देख मेरा पंजाब। जिद्दी रहे पुत्र, जिद्दी रहे। मम्मी जी पैरी पौना। मम्मी जी किचन कहाँ है? तो आज किचन में जाएगी? अरे नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है उसके लिए। पहले गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे के आने के बाद मासी जी आ रही है, फिर तो किचन में जाना। जो जी मैं कर लेना। जीत को बेटी की आदत है, जा उसे दे दे। उठिए, चाय पी लीजिए। उठिए ना प्लीज, चाय पी लीजिए। उठिए ना प्लीज, चाय पी लीजिए। अजी छोड़ दे ना, क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, उठिए ना प्लीज। मैं नहा के आई हूँ अभी। उठिए ना प्लीज, मासी जी आ रहे हैं, गुरुद्वारे जाना है। मासी जी गुरुद्वारे, लव यू। शादी करा के आए हैं पंजाब से, आप उन्हें बाबा जी का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। सत श्री अकाल। की नाम है बेटा तुम्हारा? जी हरजीत सिंह। और आप जी का की नाम है बेटा? मनप्रीत कौर। सत श्री अकाल जी। अरदास एको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वाह श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं। हेलो या हु इज दिस? ओके ओके आई एम कमिंग। या या मासी, एक जरूरी मीटिंग में चलता हूँ। तो बड़ी गलत बात है। अच्छा तो अब तू जा, एक काम कर, तू जल्दी घर आना। जल्दी आ जाऊंगा, डोंट वरी मासी। अब बीजी नहीं, ये भी वेट करेगी तेरा। हां मैं आ जाऊंगा मासी जी, बाय बाय बाय। ये तो चला गया। हम क्या कर रहे हैं, हम भी चलते हैं। आजा चल।
क्या? प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट द लाइन. मैं बहुत दिनों से तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. आई बीन बिजी एनी. आई एम नॉट अ फूल जीत. मैं सब समझती हूँ. देखो अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ. कितनी आसानी से कह दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ. अब रिश्ते बदल चुके हैं. नहीं तुम तब भी मेरे थे और अब भी. तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में जो भी आने की कोशिश करेगा मैं उसका खून कर दूंगी. क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं मम्मी जी. क्या पुत्र? कुछ नहीं बाबूजी, जरा से लग गए उसे. ध्यान रखा कर पुत्र अपना. ओए चीता क्यों नहीं आया अभी तक? अच्छा मैं फोन करके देखता. बाबूजी उन्हें मत बताइएगा, खामखा परेशान हो जाएंगे. जिंदी रह पुत्र, जिंदी रह. चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, अब तो कोई काम नहीं करेगी. मैं क्या? सस्त्रीकाल भाभी जी. हाय माँ. सस्त्रीकाल जी. सस्त्रीकाल. अरे क्या हुआ इसे? खुद ही देख ले. सुबह से मैं कह रही हूँ कि खाना मैं बनाऊंगी, लेकिन ये पगली सुनती नहीं. अब देख उंगली कट गई. अरे उंगली कट गई? हाय हाय क्या आशकियाँ हैं, क्या मशूकियाँ हैं. जीता कोई मौका नहीं छोड़ता. क्या क्या बात, क्या बात है. क्या आप भी? हेलो भाई, आज तो कमाल हो गया भाई. इधर प्रीत ने खाना बनाया, उधर पब्लिक टेबल बना कर ले आई है. बाबूजी मैं खाना बना के नहीं लाई हूँ, मैं तो खाना लेने आई हूँ. आओ. आपने समझे जुकी का ढाबा है, हाँ जी. ते पब्लिक खाना खाएगी और टोपी अंकल मेरी रोटियाँ गिनेगा. क्यों टोपी? बाबूजी उसको समझा दीजिए कि मेरा नाम टोपी नहीं है, ओपी है. ओपी ओपी टोपी 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 बड़ा आया. हाय रब्बा, दीदी एनु की होया है? किसी की नजर लग गई. आय हाय, ऐसा कौन मुआ पार्टी विच आया सी जिसकी नजर लग गई? भाभी जी कभी कभी अपनों की भी नजर लग जाती है. ओए चुप करो तुसी दोनों. ये जोगिंदर कितने पुत्र? बाबू जी मैनू नहीं पता. कमाल है, और तुझे नहीं पता है? मैनू पता है जी, मैनू पता है. वो एयरपोर्ट गया था पासपोर्ट ढूंढने के लिए बाबूजी. अच्छा। एक बात तो पक्की है, जब जुग्गी को अपना पासपोर्ट मिल जाएगा फिर वो रुकेगा नहीं अपने देश में, सीधा भागेगा जलंधर अपने देश में. चुप कर यार. लो वो आ गया. मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा. एक दिन जरूर मिलेगा. पहले इशू, उसके बाद यूज करो टिशू. इसको अच्छा। कहते हैं तुम लोगों का विदेश. मक्के की रोटी, सरों का साग, इसे कहते हैं मेरा देश. क्या बात है जुग्गी, तू तो बड़े स्टाइल से सूंघता है यार. पंजाब की याद आ गई बाबूजी. सत श्री अकाल. अरे सूंघ मत, चल बैठ जा, बैठ जा. पासपोर्ट दे दी मेरा. ओ जीते तेरी मीटिंग का क्या हुआ भाई? जी अच्छी रही. 100 डेलीगेट्स आ रहे हैं, 50 गाड़ियां चाहिए. अगर आप कहें तो 10 नई गाड़ियां खरीद लूं. अरे पुत्र जब मैंने तुझे सब कुछ सौंप दिया है तो मुझसे क्यों पूछता है? और फिर ओपी अंकल भी तो तेरे साथ है. तुझे पता है जब मैं यहाँ आया था तो किराए की टैक्सी चलाता था. वाहेगुरु से एक दिन कहा कि वाहेगुरु कब तक ये किराए की टैक्सी चलाता रहूंगा, बस एक टैक्सी दे दे. उसने ऐसी सुनी कि एक की बजाय दो, दो से दस, और फिर तो तेरे बाप ने इतनी मेहनत की कि ये एजेंसी खुल गई. तू खाना क्यों नहीं खा रहा भाई? सुनता जा रहा. ओए बंदर का जाने अदरक का स्वाद. तेरे को पता है इस पुड़िया में क्या है? इसके अंदर है पंजाब की मिट्टी, है पंजाब दी, प्योर पंजाब की. जब तक मैं मिट्टी को नहीं सूंघता मुझे खाना हजम नहीं होता. और तेरे को मालूम है इसमें क्या मिक्स है? यू नो गोबर. छोले का गोबर. अरे यार छोले का गोबर नहीं, गोबर. अंग्रेजी में उसको बोलते हैं काउ शिट. ओ बबली तुसे यहाँ से ले जा. चल चल मैं कोरी चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा. तुसी पहले मेरा पासपोर्ट दो. मनु मेरा पासपोर्ट दो ना. मैं दे नहीं तुम्हारा पासपोर्ट, उठो तुसी. अच्छा चल चल ठीक है. बाबूजी मेरा पासपोर्ट दवा देना. मैं कह रहा हूँ मनु कार जाना है. कार जाना है, वोटी है, छोटी है. क्या मास्टर बातू है. बैठो तेरा रोटी खाओ. खा रहे हैं. नहीं ते ना तो तुसी पास हो पाओगे और ना ही कोई पोर्ट देख पाओगे. सुना? हाँ पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट. अच्छा तू मेरी गल सुन, तू अगर मेरा पासपोर्ट नहीं देता ना तो मैं तेनू तेरी माटी कार्ड भेजा. बाबूजी
पुत्र तू सुबह से काम कर रही है, थकने गई होगी। जा जी, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जा पुत्र। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो जी? प्यार जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना जी। मैं बहुत थक गई हूँ। और मैं थकना चाहता हूँ। जितना बना सको।
कमीनिया कंजरा लुचिया तू यहाँ पे? सस्रियकाल अंकल जी। सस्रियकाल। मैं जीते से मिलने आया था। अरे अब तो उसे माफ कर दो, उसका पीछा छोड़ दो, अब तो उसकी शादी हो गया भाई। अरे अंकल जी आप भी कमाल करते हैं, हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बंदर भी कभी गुलाटी मारना छोड़ता है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीता शादी के बाद एकदम सुधर जाएगा। तूने लड़की नहीं देखी यार, चांद का टुकड़ा है, सोनिया सोनिया आंखें, गोरे गोरे गाल, हमारे जीते को इससे खूबसूरत लड़की मिल ही नहीं सकती। अंकल जी आप बुरा ना मानिएगा, आपकी उम्र में जब आदमी आ जाता है ना, उसको हर लड़की खूबसूरत ही दिखती है। साढ़े ते ताना मार रहे हैं क्योंकि असी व्याह नहीं किया, पर असी बरातां बड़ियां अटेंड कीतियां। पर ये बता तू ये पूछ क्यों रहा है? अंकल जी कोई औरत कितनी भी खूबसूरत हो ना, दो चार दिन के बाद बंदे का दिल भर ही जाता है उससे, और अपना जीता वो तो पुराना खिलाड़ी है, कितनी ही लड़कियों को घुमा चुका है। एक लड़की घर आ गई थी और दूसरी भी आज नहीं तो कल आ सकती है। शुभ शुभ बोल यार, शुभ शुभ बोल, तू क्यों उसकी जिंदगी खराब करने में लगा हुआ है, क्यों कर रहा है? अरे अंकल जी आप तो बुरा मान गए, जीता तो मेरा यार है, मैं तो उसे इन्विटेशन देने आया था। तू उसे इन्विटेशन देने आया था? तो फिक्र ना कर, मैं उसे तुम्हारा इन्विटेशन पहुंचा दूंगा। और याद से उसे कहना कि भाभी को भी लेकर आए, क्योंकि मुझे देखना है हिंदुस्तानी लड़की कैसी होती है। हाँ हाँ तो उसकी फिक्र ना कर, वो भी आएगी। और अंकल जी आप तो कह रहे हैं कि आप उसे बता देंगे, लेकिन मैं भी उसे फोन करके बता दूंगा। पक्का फोन करना है? मैं करूंगा, काम कर दूंगा, 100% याद रखना। हाँ, हाँ, मैं करूंगा, फिक्र ना कर। हाँ, हाँ, हाँ। शुक्र है रब्बा, शुक्र है। ए मनु से टल गई कमीना कंजर लुच्चा। मोम मन कहाँ है? क्यों बात क्या है? मन है कहाँ? बात क्या है पुत्र? आप घबरा गए ना, बात इतनी सी है मॉम, मैं सिर्फ मन को सुखी की पार्टी में ले जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ। बहुत अच्छी बात है, ले जाओ मॉम, ले जाओ प्लीज, ले जाओ उसे, बहुत खुश होगी। लेकिन मन है कहाँ? ऊपर। ऊपर? Yes, there she is. Hey mom, mom you are wonderful, mom she is looking beautiful, mom. छोड़ो ना मम्मी जी देख रहे हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? तुम्हें मुझे सुखी की पार्टी में ले जाना है। हाँ ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना पार्टी में। तुम्हारे लिए स्पेशल पार्टी रखी है। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। छोड़िए ना, मैं गिर जाऊंगी। चलती हुई नीचे फेंक दूँ मॉम, फेंक दूँ? ओफ़ अजी, छोड़िए ना मुझे। ओके ओके। नहीं मम्मी जी मुझे नहीं जाना पार्टी में। जा पुत्र। नहीं मम्मी जी। अरे अरे सुखी जीत का बेस्ट फ्रेंड है, वो बुरा मान जाएगा। जा जल्दी तैयार हो जा। गो। अब तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा तू भी तैयार हो जा, जा। Yes, mom. Hi, how are you? Hi, I'm fine, brother. Thank you so much for the party, man. Meet my beautiful wife, Man. नमस्ते। Wow, मजा आ गया। बड़े दिनों के बाद नमस्ते सुनने को मिली। है ना? तुम्हारी शादी की पार्टी में नहीं आ सका, इसलिए मैंने ये पार्टी दी है। It's all right, no problem, Man, no problem. He's my best friend, Sukhi. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Well, I'm surprised I'm seeing you after a long time. Yeah, actually, meet my wife, Man. Hello. Do you love our country? Very much. Yeah. Excuse me for a while. I'll join you. Let's move into the party. Come. Sure, come. Chalo, 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 come. To make believe it's the first time, and I gotta say to you, love will find a way. Hey, Sukhi, sirf mere liye bana raha hai. Hi, ji. Where were you? I was missing you. India. To make believe it's the first time. Meet my wife, come, Man. Come, let's dance. Arre, ek minute, Man. Excuse me. Hey, would you like to see my humps? Come, I'll show you. Yeah? मनप्रीत घर कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा? Should I make wine or whiskey for you? नहीं। Just a sip. This is for ladies. Come on, come on. Just a sip, just a sip. Yeah. Yeah.
Excuse me for a while. I'll be back. Okay? Mm. Good girl. You might think that you can hunt me down. Steal my juice, wear my crown. But in the end, you'll find the funk. Smoke out face down in my trunk. If you all move to my plan, things will work out fine. Yeah, I can't. Oh, baby. Come on. Come on, baby. Choriya, baby. बीवी के साथ तू रंगरलिया मनाता रहा वो कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी मेरे सिवाय हजारों के साथ बिस्तर पे सोई है। हाथ उठाना मुझे भी आता है लेकिन मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। I'll take you. I'll make you more comfortable. Hey guys, take her. Hey, we can make all our problems. I'll take her first, baby. Hey, come on. Hey. Okay. Baby, just do it. Wow. Hey, come on. Just, come on. What's your problem? Who are you? What's your problem? She's my wife. Oh, okay, okay. Sorry. Come, guys. Let's go. Man. I'm sorry. Are you okay? सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। शुक्र है आपने मुझे पत्नी तो समझा। आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी सभ्यता अपने संस्कारों को भुला दूं? सीमन, मुझे तो ये कहते हुए शर्म आती है। दोस्त की बीवी यानी माँ या भाभी, इसी सोसाइटी की बात करते हैं आप। उसने मेरा रेप करने की कोशिश की और आप। लेकिन मन, मैंने उसे मारा ना। मैंने देखा और सुना भी। अगर आपको उसकी बीवी के साथ संबंध न होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती मुझे हाथ लगाने की। बस मन, इनफ। मैंने सुन लिया। आपके पास सुनने की हिम्मत ही कहाँ है? अगर ये सब हिंदुस्तान में होता तो खून की नदियाँ बह जाती। तो क्या चाहती हो तुम? मैं उसका खून कर देता? मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। एंड द मैटर एंड्स हियर। ओके, आई एम सॉरी। चलो चलो, लेट्स गो होम। प्लीज चलो, प्लीज कम। मनप्रीत बेटा, क्या हो पुत्र? तेरा मुंह ठीक नहीं है? क्या हुआ? कल पार्टी अच्छी नहीं लगी? क्या मम्मी जी आप ही कभी ऐसी पार्टी में गई हैं? हाँ, एक बार गई थी इनके साथ। तौबा तौबा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बेटा,
मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन जीत बहुत ही अच्छा लड़का है और तू ही उसे खुश रख सकती है। कल लोहड़ी है तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर तू खुश रहेगी तो सब खुश रहेंगे। जा उसे मना ले। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना। जा, जाकर खुश कर। रोमांटिक नहीं हो। क्यों
जी इस पब्लिक प्लेस में ये अच्छा नहीं लगता। ओह माय गॉड मन, तुम यंग हो, खूबसूरत हो, मेरी धर्म पत्नी हो। जीत मन, ये हिंदुस्तान नहीं है, दिस इज नॉट इंडिया। देखो मन, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए मना किया है? मुझे लेक्चर देना बंद करो। देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मेरे तरीके से चलो या फिर जो मन करे वो करो। इस तरह से ना तुम खुश रहोगी ना मैं खुश रहूंगा। मुझे मेरा पासपोर्ट दो, नहीं तो धमाल कर दूंगा, सबकी धोती फाड़ के रुमाल कर दूंगा। सुनो, उसकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते मेरे यार बन गए, वो तो मुझे मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। अरे कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना खा ले, ओ कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना खा ले, ओ कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना खा ले। ओके मैं झूठ बोलिया कोई ना, ओके मैं कुत्ता बोल लिया कोई ना, कि मैं झूठ बोलिया कोई ना। आई एम द गॉड ऑफ फायर एंड आई ब्रिंग यू फायर। अरे मेरा पासपोर्ट दो। हां अडी करा करा डिंग करा करा। देखो जानू कैसी लग रही हूं? बिल्कुल वैसी जैसे बांदरी को कपड़े बना के डुगड़ी बजाओ। बांदरी रे बांदरी, मेरी बांदरी रे बांदरी, मेरी प्यारी बांदरी बांदरी रे। शट अप, बहुत हो गया। या तो सारा दिन बजाते रहते हो या खाते रहते हो, तीजा कोई काम ही नहीं है तुम्हारे कोल। अब एक काम करो, ये बजाना बजाना छोड़ो और जाओ, जाकर मेहमान आए हैं उनका स्वागत करो। लोग समझेगी कि पागल हो गए हो तुम। ओ तेरी माँ पागल, ओ तेरा बाप पागल, ओ तेरी बहन पागल, तेरी दादी पागल, तेरा दादा पागल, ओ तेरा पूरा खानदान पागल। तेरे को मैं तेरी माँ के घर भेज दूंगा। ओ मेरा पासपोर्ट दो, मुझे जलंधर जाना है यार। दिलाओ क्या मैं, चलो मेरे साथ। चल थक गया। लोड़ी का शक्ल तो पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे सुनो, अब इसके बाद एक आइटम सॉन्ग होगा, बल्ले 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 बल्ले, है ना दीदी? नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, आ जाओ चलो 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 चलो, आ जाओ। बाबूजी उधर औरतों ने गाना शुरू कर दिया है, अब गनीमत इसी में है कि हम यहाँ से चले। आओ चलिए। भुल्ले निमाये भुल्ले, दो बेड़े पत्थर चुल्ले, दो चुल्ल पया खजूरा खजूरा। ससुराल जी ससुराल जी, इस मुंडे द करो केवा। ओ मास्टर जी मजे ले रहे हो, चलो अंदर चलो। ओ खांदी चूरी कुटदी, ओ खांदी चूरी यहाँ बैठे हो, डांस करो ना। कुट कुट पर थाल मुंडा होया पड़ी दनिहाल, तुसी पहन लो बड़े चंगे लगोगे। माइये पानी पा काले कुत्ते नू भी पा, काला कुत्ता दवे दुहाइया तेरिया जीवन मची गाया, मची गाया दिता दुध तेरे जीवन सके पुत, सके पुता दी कुड़माई सानू शेर चक्कर पाई। बाबे जी सत श्री अकाल, क्या माहौल है? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि क्या माहौल है यार। करतार सिंह तेरी पार्टी तो सारे शहर में मशहूर है, कमाल है यार, कमाल है। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी हाँ जी, गो टू हेल। व्हाट आर यू सेइंग? आई एम टेलिंग यू गो टू द हॉल, यू यू स्टॉप। हाय हाय तेरे वाकर की सोनी मेम कुड़ी में कदी नहीं देखी, की अखा है की बॉडी है। What are you saying? No, 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 I'm saying this old man is what to you? My husband, Sindoor. Oh, साला लगता पूरा लंगूर। मैं क्या जी सत श्री अकाल। ओ जी सत श्री अकाल। ओ जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम होला सिंह है जी। होला सिंह, ये कैसा नाम है जी? मैं होली के दिन पैदा होता, मेरी माँ ने मेरा नाम होला सिंह रख दिया। ओ देखो सर, आई हाय। ओ वेरी गुड, ओ शुक्र है ये लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ। हाय हाय रब्बा, की कह रहे हो तुसी तुसी ते? मैं कह रहा था कि शुक्र है ये लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ। सत्या ना सोचा, बाऊजी ने तुम्हारी गल नहीं सुनी। हाय रे, लोहड़ी के दिन भी ऐसा स्यापा पा रहे हो, तुहानू ते किसी भी बात की शर्म नहीं है। हम गा बात करूंगा। हाय मैं तो तुम्हें कमरे में बंद करती हूं, चलो मेरे नाल, बहुत हो गया। बाऊजी सत श्री अकाल। जी बाबू मनप्रीत किथे है? बाबूजी वो तो तैयार हो रही है, जल्दी बुलाओ उसे। जी
भाई जब ढोल बजता है बल्ले बल्ले तो जवानी याद आ जाती है। अरे अभी तो तुम जवान हो। तू भी जा डांस कर। बहू तो बड़ी सुंदर है। वो अपना पोता भी तो कम सुंदर थोड़ा ही है। मैं आई डांस विद यू। बीवी बोल रही है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? प्लीज आप जाइए अभी यहाँ से। नहीं मन, मन तुम इतनी खूबसूरत हो तो मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। किस में? किस मैं आपको कैसे समझाऊं? प्लीज आपको 3 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्लीज आप जाइए यहाँ से। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आप पागल तो नहीं हो गए? हाँ जाइए आप। मैं पागल हो गया हूँ। मैं कैसे समझाऊं आपको? प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। मन घबराओ मत। छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए जीत, प्लीज मेरी बात तो सुनिए जीत। छोड़िए मुझे जीत। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। जानवर हो तुम, जानवर। सिर्फ जिस्म चाहिए तुम्हें अपनी हवस मिटाने के लिए। यही कल्चर है तुम्हारा, यही सिखाना चाहते थे तुम मुझे। शादी की है मुझसे, कोई एहसान नहीं किया। तुम्हें मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं है। अगर इतना ही शौक था तो किसी वेश्या को घर पर ले आना था जो तुम्हारा रोज बिस्तर गर्म कर सकती। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। आई हेट यू, आई हेट यू। मुझे
शादी की है मुझसे, कोई एहसान नहीं किया। जानवर हो तुम जानवर, सब जिसे चाहिए तुम्हें अपनी हवस मिटाने के लिए। अगर इतना ही शौक था तो किसी वेश्या को घर पर ले आना था जो तुम्हारा रुख बिस्तर गर्म कर सकती है। आज की बात मुझे हाथ मत लगाना, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। शादी की है मुझसे, कोई एहसान नहीं किया। भूल गई हैं क्या? Are you sure? Yeah, I am. Very important to you. What? Me. You? I'm sorry. Here's your bag. Oh, thank you. Hi, I'm Jeet. I'm Anivalia. Anivalia? ये Anivalia मैं कुछ समझा नहीं। Actually, my dad was Indian. Oh, now I understood. Can I offer you some coffee? I mean, some coffee? Okay. Oh, wow, thanks. Let's go. 1, 2, 3, 4. Up to 1, 2. Come on, Jeet. Leave me, please. You are too much. प्यार ठीक में नहीं मिलता लड़की,
प्यार चाहने से नहीं मिलता, प्यार नसीब से मिलता है। अब तेरे नसीब में जीत का प्यार नहीं है। जीत, 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 वेयर आर यू? जीत, कल रात शायद मैंने ज्यादा ही पी ली थी, यानी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। क्या हम पिछली जिंदगी भूलकर अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? दोस्ती? जो हर रात हमने इस बिस्तर में साथ गुजारी है वो दोस्ती थी? तुम उसे दोस्ती का नाम दे रहे हो? मैं तुम्हारे एहसास को समझ सकता हूँ एनी, मगर अब हमें रिश्ते भी बदलने होंगे। अब वक्त बदल चुका है एनी। वक्त नहीं बदला है जीत, तुम बदल गए हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकते, किसी की नहीं हो सकते तुम। सुबह के 8 बजे और जीत पुत्र अभी तक आया नहीं। कमाल की बात है कि रात भर उसका मोबाइल भी ऑफ था। हाँ, वही तो। आ जाने दो उसे, मैं उसकी खबर लेता हूँ। आज बचपना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। और जीत ठहर जा। ओए ओए, ये क्या हुआ? वो क्या हुआ पुत्र तुझे? बाबूजी, वो मेरी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तू ठीक ठाक तो है ना? जी बाबूजी, मैं ठीक हूँ। वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्र है। कहाँ थे तुम रात भर? हम सब इतने परेशान थे और तेरा मोबाइल भी ऑफ था। मॉम, वो यू नो कॉप्स नो मॉम, रात भर परेशान भी किया और मेरा मोबाइल भी ले लिया, इसलिए आपको फोन नहीं कर पाया मॉम।
I'm sorry. ठीक है, कोई बात नहीं, तू जा आराम कर, जा। जी मॉम। पुत्र, तू भी जा, जा। जी। प्रीत जी, मम्मी जीत ने बताया कि वो रात भर कहाँ था। जी मम्मी, वो नहा रहे हैं। जीत। यस मॉम। कहाँ जा रहा है? मॉम वो एक जरूरी मीटिंग है, मुझे देर हो रही है। ऐसी कौन सी आफत आ गई है? चुपचाप बैठकर नाश्ता कर ले। मॉम वो बड़ा खुशकिस्मत है पुत्र तू। देखिए लड़की को, रात भर सोई नहीं फिर भी सुबह सुबह तेरे लिए नाश्ता लगा दिया। चल बैठ। बाऊजी मेरे लिए मीटिंग जरूरी है। ओए लानत है ऐसे बिजनेस पर भी, जो रब की दी हुई नेमत की रोटी भी ना इंसान खा सके। ऐसी छोटी मोटी बातें सबके घरों में होती है जीत। बहू ने बहुत प्यार से नाश्ता बनाया है, चल बैठ नाश्ता कर ले। मॉम आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम गेटिंग लेट मॉम। जीत चल बेटे, तू बैठ बैठ जा। बैठ जा। कहाँ जाओगे? One large whiskey, please. Okay. Sir. Thank you. Welcome. One double large. Thank you. Any problem? Yes. What? You. Me? I mean, औरत। औरत इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Excuse me. One large whiskey for madam. Please sit down. Thank you. क्या आप जानती हैं? औरत से प्यार करो तो मुसीबत। For you. ना करो तो मुसीबत। क्या मैं आपको बुरा आदमी लगता हूँ? No. You are right. क्या मैं रेपिस्ट हूँ? No. 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 One more double large please. मैंने रेप नहीं किया। I'm not a rapist. I'm not a rapist. Sir, your drink please. Thank you. बस शराब का सहारा बुजदिल और कायल लिया करते हैं जीत। तुम कब आई यहाँ? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ थी। आजकल तो मेरे साथ मेरी परछाई भी नहीं है। परछाई तुम्हारा साथ छोड़ सकती है लेकिन मैं कभी नहीं। ये हालत क्या बना रखी है तुमने अपनी? क्या हुआ जीत? शायद प्यार। प्यार तो तुम्हारे सामने खड़ा है। चलो जीत, चलो मेरे साथ। No. चलो No. चलो जीत। No. संभालो जीत। खानी कितने ले जा रही मेरे पुत्र को? दस। जहाँ तुम लोगों के परिवार का साया उसकी परछाई तक भी ना आ सके। हाय हाय, बड़ी परिवार की बातें कर रही है? अरे परिवार की बातें वो करते हैं जिनके आगे पीछे परिवार होते हैं, तेरे जैसे नहीं। बकवास बंद कर और इन्हानू छड़ छड़ मेरे पुत्र नू। मैंने इनका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। हाँ? वैसे भी तुम लोगों ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और आज के बाद दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती।
अरे जी पुत्र सुन की कह रही है, तू बता दे इसे, कह दे कि तू नहीं जाएगा इसके साथ, बोल ना क्या पुत्र क्या। अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा मासी जी, मेरी जिंदगी उस मकाम पे आ गई है जहाँ मुझे जब मुझे भर जाने को जी करता है। सुन लिया मौसी जी, अब जीते जी कितनी बार जीत को मानना चाहोगे। बड़ी आई अरे एक रात के मेहमान पर इतना गुरूर मत कर लड़की, ये तो वो पंछी है कि सुबह होने से पहले पिंजरा तोड़ के उड़ जाएगा। है ये क्या है, अरे वो किसने दे दिया, अरे सुनो अरे पकड़ो, जानवर हो तुम जानवर, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। I hate you. अगर इतना ही शौक था तो किसी वेश्या को घर पर ले आना था जो तुम्हारे रोज बिस्तर गरम कर सकती है। जाने को तड़पे दिल हर समा समा हर समा, सांसों में तेरी बस जाने को तड़पे दिल हर समा समा हर समा, चाहत में तेरी मिट जाऊं मैं, बस तू ही मेरा जहां जहाँ ये जहाँ, बाहों में तेरी बस जाने को तड़पा करूं हर समा समा हर समा, भर दे मेरे दिल के अरमानों को फिर ये मिले ना जहाँ जहाँ ये जहाँ, बस जाने को तड़पा करूं हर समा समा हर समा। नहीं भूल सकती वो यादें तेरी,
ना ना तू जुदा जुदा ना जुदा सांसों में तेरी बस जाने को तड़पे दिल हर समा समा हर समा ना समझिया तू पागल मुझे दिल जिगर जहां से मैं चाहूं तुझे हाँ दीवाना समझिया तू पागल मुझे दिल जिगर जहां से मैं चाहूं तुझे मुझको ही मुझसे चुराया है तूने ये है तेरी कुछ अदा अदा ये अदा ओ बाहों में तेरी बस जाने को तड़पा करूं हर समा समा हर समा गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह कितने बजे आया था जीत चार बजे देख प्रीत बेटा मैं जानती हूँ कि जीत मेरा बेटा है बचपन से ही बाप का साया इसके सर से उठ गया माँ बाप दोनों का फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की मैंने तो शायद कुछ कमी रह गई मुझ में मैं एक औरत हूँ और तेरी बातें मैं समझ सकती हूँ लेकिन औरत के अनेक रूप होते हैं कभी बेटी कभी माँ कभी पत्नी तेरी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ बेटा लेकिन क्या है ना कभी कभी पत्नी को कुछ ज़्यादा ही सहना पड़ता है आदमी तो बेलगाम का घोड़ा होता है और वो लगाम पत्नी के हाथ में होती हूँ बेटा जिनके पति रात भर घर नहीं पहुंचते उसमें कहीं पत्नी की भी शायद कोई कमी हो ठीक पुत्र
इस घर की डोर मैं तेरे हाथ में सौंपना चाहती हूँ। इसे तो संभालना, इसे बिखरने मत देना। जा बेटा, जाकर बात कर उसे, किचन में चाय बनाई उसे जाकर दे दे। जा। चाय पी लीजिए। रख दो। जीत। यस मॉम। तू रात फिर से देर से आया, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम। मॉम यू नो बिजनेस। बिजनेस तुम्हारे पापा ने भी किया था मॉम, वो टाइम और था ना। आई एम गेटिंग लेट मॉम, आई हैव टू गो। जीत, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर की मान मर्यादा को ठेस ना पहुंचे। मॉम आई एम सॉरी इफ समथिंग हैज हर्ट यू। जीत, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। मैंने जो कुछ भी चाहा सिर्फ तेरे लिए मॉम, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुझे तेरे पापा की कमी लगे। I'm sorry if I've hurt you. लेकिन बेटा, आज तू बड़ा हो गया है, घर की सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पे। मॉम मैं समझता हूँ। अगर तू समझता है तो जो कुछ भी हुआ भूल जा उसे। देख पुत्र, आज तू घर जल्दी आ जाना। क्यों मॉम, आज ऐसा क्या है? आज करवा चौथ है और जब तक तू नहीं आएगा प्रीत एक बूंद पानी भी नहीं पिएगे। मॉम मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुझे आना ही होगा। या हु इज दिस? हाय जी, सोचा था आज तुम फोन करो। ऐसा क्या है आज? करवा चौथ, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, but I don't know what to do, and I will be waiting for you. Okay, I'll come. Okay, see ya. आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और एक बूंद पानी भी नहीं पिया है मैंने। पानी भी नहीं पिया? नहीं। Very good. पता तेरे को पानी नहीं पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? क्या? जहर पी। जहर पी और मर जा, ताकि तेरे मरने के बाद मैं अपना पासपोर्ट ढूंढूं और जलंधर चला जाऊं। तुम खानदान वालों ने मेरे साथ साजिश की हुई है, मेरा पासपोर्ट छुपा कर रखा है। तू मेरा पासपोर्ट दे, नहीं तो मैं तेरे को तेरी मां के घर भेज दूंगा। शट अप। अरे जब देखो पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट, लंच में पासपोर्ट, डिनर में पासपोर्ट, सोते पासपोर्ट, जाते पासपोर्ट, मैं तो तंग आ गई उस पासपोर्ट से। मेरी जिंदगी खुद पासपोर्ट होके रह गई है। चीयर्स। की बात है पुत्र, सब जगह फोन कर लिया है लेकिन जीते का पता नहीं लगता। ये
है, सब जगह फोन कर लिया है, लेकिन जीते का पता नहीं लगता। एक जगह फोन नहीं किता बाबूजी। क्या बकवास कर रहा तू? एक बात बोलूं, जोगिंदर कभी बकवास नहीं करता, सिर्फ कहता है, और जो कहता है वो सच होता है, और सच बड़ा कड़वा होता है, जैसे करवा चौथ का कड़वा सच। चुप चुप चुप, सीधी सीधी बात कर। हेलो, फोन से गल कर लो। एनी एनी, हेलो हेलो, जीत को फोन दो। वो यहाँ नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम जो ख्वाब देख रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा। ख्वाब जो मैंने देखा है वो पूरा होगा या नहीं, इसकी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बकवास मत करो। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है दादाजी, जो सच है वो आपके सामने है। जीत कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। ओह, तो दिखा दी ना तुमने अपनी असली औकात। तब भी मैं गलत नहीं था और आज भी मैं गलत नहीं हूँ। तुम किसी गंदी नाली के कीड़े से कम नहीं हो। तुम जैसी लड़कियां घर बनाती नहीं है, घर तोड़ती हैं। लेकिन कान खोल कर सुन लो लड़की, लाख कोशिश कर ले, जीत तुझे भीख में भी नहीं मिलेगा। एक वक्त था जब आपकी चौखट पर आई थी मैं मोहब्बत की भीख मांगने, और अब आप अपने पोते की भीख मुझसे मांग रहे हैं। Shut up! क्यों आग लग गई ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके? प्यार किया था कोई गुनाह नहीं। अब आपको जीत चाहिए तो जाइए और जाकर ढूंढिए जहां आपने उसे छोड़ा था। जीत, तुम ठहरो बहू, मैं इसका दिमाग जमीन पर लाना चाहता हूं। मैं इसकी जबान से सुनना चाहता हूं कि यह क्या कहा था। आपको तो पता है, फिर मुझसे क्या जानना चाहते हैं आप? बदतमीज बाऊजी, उस बेचारे का क्या कसूर है जो सुबह से भूखी प्यासी है? उसे पानी पी लेने दीजिए प्लीज बाऊजी, प्लीज। चल पुत्र, देख प्रीत पुत्र, चल आजा पुत्र, उठ आजा। ले पुत्र, आरती उतार। जीत पानी पिला। जीत, इस नंबर का पता बता सकते हैं?
यस। मनप्रीत। ओह मनप्रीत, क्या लोगी? जीत, कमाल है, एक पत्नी अपने पति को मांगने आई है। नहीं, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। आज तक जीत को तो समझा नहीं सकी। अग्नि के साथ फेरे लिए हैं मैंने। ये माथे का सिंदूर, ये बिंदिया, ये मंगलसूत्र सब जीत के नाम का ही है। फिर भी उसकी जुबान पर मेरा ही नाम रहता है। यूं तो यहाँ मेड सर्वेंट्स मिलते नहीं है, इसलिए लोग शादी कर लेते हैं ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। पहला बूढ़े माँ बाप की सेवा, दूसरा बिस्तर में चेंज मिल जाए। समझ में आ रहा है ना मनप्रीत? मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो। तुम जैसी लड़कियों के ना ही नसीब में फेरे होते हैं ना ही मंगलसूत्र। तुम जैसी लड़कियों को रखेल बोला जाता है। रखेल? चुप राजी। क्यों, सच्चाई कड़वी लगी ना यानी? मैं तो ये देखने आई थी कि तू क्या बला है। ये हिंदुस्तानी औरत का हाथ है, इसमें जितनी ममता है उतनी क्षमता भी है। मैं अपनी और अपने परिवार की हमेशा रक्षा कर सकती हूँ। ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहां से आ रही हो, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि तुम वहां क्यों गई थी। जो मैंने खो दिया शायद उसे ढूंढने गई थी बाबूजी। मैं हार गया पुत्र, हार गया। मैं समझा था जीत शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगा। मैं ये भी समझा था तेरे जैसी नेक बीवी को पाकर जीत धन्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। ऐसा क्यों सोचते हैं बाबूजी? आपने जो भी किया अच्छा ही किया। शायद इन्हें समझने में मुझसे ही कोई भूल हो गई हो। तेरे इन्हीं संस्कारों ने तो मेरा दिल जीत लिया है बेटी। मैं तेरा गुनहगार हूं, तू जो भी सजा देना चाहती है मुझे दे दे। जब तू इस घर में आई थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में एक बेटी की कमी थी जो पूरी हो गई। मुझे मेरी बेटी मिल गई। बेटी, अब इस घर की इज्जत मान मर्यादा और छत को टूटने से बचा ले। ना बाबूजी ना, आप पर तो गर्व है मुझे। आप जैसा बाप तो बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि मैं आपसे बिना पूछे वहां चली गई। उससे मिलने के बाद आपकी बेटी आपसे वादा करती है, जीत तो क्या, जीत की परछाई भी उसे नसीब नहीं होगी। परछाई बनना चाहती थी मैं तुम्हारी, और देखो मैंने तुम्हें खोकर भी वापस पा लिया। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे कुछ भी कहने से डरती थी, क्योंकि तुम बहुत टूटे हुए थे उस वक्त जीत। एनी, साफ साफ कहो बात क्या है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। व्हाट? इतने बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? हर दिन हर पल तुमसे कहने की कोशिश की। नहीं, ये नहीं हो सकता एनी। तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा, हर हालत में गिराना होगा। बहुत देर हो चुकी है जीत, अब ये इम्पॉसिबल है। Nothing is impossible in this world, okay? Go, go and get aborted. ये नहीं हो सकता जीत, मैं इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी। तुम पागल हो चुकी हो हैनी? You must get aborted. ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है जीत, तुम चाहे कुछ भी कर लो,
ही बच्चा इस दुनिया में आकर रहेगा। नो एनी जब जब माँ बाहुजी और मनप्रीत को पता चलेगा तो तूफान खड़ा हो जाएगा एनी। हाँ एनी इस बच्चे को गिरा दो एनी, तुम इस बच्चे को गिरा दो प्लीज एनी, इस बच्चे को गिरा दो। आई डोंट लव यू एनी, आई डोंट लव यू। मैं मन को प्यार करता हूँ एनी, मन आई लव यू मन, आई लव यू मन, आई लव यू। अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पाए करो इस कार्त में रखी मन, आई लव यू मन, इस बच्चे को गिरा दो एनी तुम। आई डोंट लव यू एनी, आई डोंट लव यू। मैं मन को प्यार करता हूँ एनी, मन इस बच्चे को गिरा दो एनी तुम, इस बच्चे को गिरा दो एनी तुम। कौन है तू? मुझे नहीं पहचाना, आपकी बहू। जीते जीते जीते, रहने दीजिए दादाजी, मैं यहाँ आपसे और मम्मी जी से मिलने आई हूँ। मम्मी जी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? टुकड़ों में मिलना चाहती हो या साबित? दादाजी आपको पता है, यहाँ आने से पहले आपके पोते जीत के खिलाफ पुलिस पे रिपोर्ट लिखा कर आई हूँ। तुम चाहती क्या हो? बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आप, मेरी नहीं अपनी इज्जत की क्या कीमत लगाएंगे? करतार सिंह की इज्जत का कोई मोल नहीं लगाता। ये लो, तुम्हारी औकात से ज्यादा इसमें रकम भरती है। तू अपने घर की इज्जत और मान मर्यादा को भूल गया जो ऐसी आवारा लड़की को लेकर यहां आ गया? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये लड़की तेरे लायक है, जिसकी ना माँ का पता है ना बाप का पता है? मत कहिए मुझे यहाँ से जाने के लिए, मर जाऊंगी मैं जीत के बिना। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे जीत चाहिए। ओ। बदले में आपको जितनी दौलत की जरूरत है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम अपनी मोहब्बत को दौलत से खरीदने आई हो? हाँ, तुम्हें ये नहीं पता कि करतार सिंह दिल से कितना अमीर आदमी है। और एक बात कान खोल कर सुन लो लड़की, पंजाब में मैं किसी मजबूर गरीब लड़की से जीते की शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम जैसी बेगैरत लड़की से कभी नहीं। इससे पहले कि मेरे सबर की इंतहा खत्म हो जाए, निकल जाओ यहां से। गेट आउट। काश कि मैंने उसी वक्त इस लड़के का कुछ कर दिया होता।
भाऊजी आप यहाँ पर? कल रात जो बात तुमने अपने नशे में कही थी, उस बात को तेरी माँ और मैंने पूरे होश में सुना। वो माँ जिसने अपनी भरी जवानी में अपने पति को खो दिया और इस औलाद को अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया। सारी रात रोती रही वो, सोचा था कि मनप्रीत जैसी नेक लड़की को पाकर तू सुधर जाएगा। अरे तूने क्या दिया है उसको? समझता क्या है अपने आप को? तू समझता कि हमें दिखाई नहीं देता है? उस मासूम के होंठों से तुमने उसकी खुशियां छीन ली हैं। वो हर वक्त अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और जो इज्जत तेरे बाप ने और मैंने इतनी मेहनत से इस प्रदेश में कमाई थी, तुमने उसे खत्म कर दिया। काश मैं तुझे पैदा होते ही मार देता, शायद ये मनहूस दिन देखने को नसीब नहीं होता। अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो वो लड़की या करतार सिंह का घर। भाऊजी आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं भाऊजी। बस ओपी, बस बस आते चुका है तू इसका। भाऊजी देखिए, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा भाऊजी, सब ठीक हो जाएगा। तूफान ये लाया है, कहने से तूफान का रुख भी इसी को मोड़ना होगा। अब फैसला इसी के हाथ में है। बाऊजी मेरी बात तो सुनिए प्लीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। बाऊजी बाऊजी सौहराती जीतिया, बाऊजी का ये तेवर मैं पहली बार देख रहा हूं यार, पहली बार। हमारे बाऊजी कभी ऐसे नहीं बोले। ये फोन उसी तूफानी का है यार। देख जीते, एक बात जरा गौर से सुन ले, तू अपना करेक्टर तो बदल नहीं सका, लेकिन अब तू इस मोबाइल फोन का नंबर जरूर बदल दे, नहीं तो वो लड़की तुम्हें ना तो जिंदा रहने देगी ना भाऊजी को जिंदा रहने देगी। ये बात जरा ठंडे दिमाग से सोचना, विद अ कूल माइंड। कूल डाउन एनी, कूल डाउन, नथिंग विल हैपन टू यू। मेरी समझ में नहीं आता तुम ये जहर कब छोड़ोगी। तुम्हारे मां बाप इसी जहर की वजह से चले गए। मैं आज भी अपने दोस्त को याद करता हूं, अगर तुम उसकी बेटी ना होती तो मैं शायद तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। तुम जानती हो मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम मां नहीं बन सकती, पर फिर भी तुमने जबरदस्ती बच्चा पेट में पाला और ये जहर सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन तुमने आज तक नहीं छोड़ा। क्या करना चाहती हो? ये पागलपन नहीं तो और क्या है? मोहब्बत है ये, लव। शिट, कौन सी मोहब्बत है जो मुझे समझ नहीं आती? अगर इतनी मोहब्बत उस लड़के को तुमसे होती तो आज उसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और वो तुम्हें मिलना नहीं चाहता। मैंने आपसे उसके घर का टेलीफोन नंबर मांगा था। कमाल है, तुम उसका टेलीफोन नंबर मांग रही हो। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया है, घर का नंबर भी बदल दिया है, और तो और उसने शादी भी कर ली है। पता है बाऊजी, बाऊजी बाऊजी, साडे प्यारे बाऊजी। छोड़ दे यार ओपी, छोड़ दे बस कर। नहीं बाऊजी, मुझे आपकी सेवा करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो कहना कि मेरे पिताजी जल्दी चले गए और मैं उनकी सेवा ही नहीं कर पाया, बस ले दे के आपकी सेवा करता हूं और मेरे दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है जी। बेटे तुझे तो सुकून मिलता है, लेकिन मुझे कब सुकून मिलेगा? मैं तो इस जीते से हार चुका हूं, अब तो मेरी सोच ने भी मेरा साथ छोड़ा। नहीं बाऊजी नहीं, ओ बाबिया ने आख्या है ना कि सोची सोच ना होवसी जे सोचे लखवार, सोची सोच ना होवसी जे सोचे लखवार, ओही होवे बंदे आ जो लिखिया करता। ऐसी गल नहीं बाऊजी, जीता हमारा बिल्कुल सुधर गया है, बिल्कुल सुधर गया है। पिछले 3 महीने से किसी लड़की का फोन नहीं आया, कोई पार्टी शार्टी भी नहीं जाता है। हाँ जी, अच्छा, सब काम छोड़ दिए, सब कुछ भूल चुका है हमारा जीता। अच्छा। हाँ बाऊजी, ओपी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मनप्रीत अब बहुत खुश है। 3 महीने से जीत पुत्र बहुत बदल गया है, अब हम सब बहुत खुश है ना।
बाबूजी क्या है कि नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, सब कुछ। वाहेगुरु, इस घर पर बिल्कुल ऐसे ही मेल रखना। एनी, तुमने अजीत का नंबर मांगा था, 803-41-226। थैंक यू। हेलो मनप्रीत। प्लीज फोन मत काटना, मैं पिछले 3 महीने से जीत से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जीत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मनप्रीत प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम लोगों के बीच नहीं आना चाहती। मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं जिंदा नहीं बचूंगी मनप्रीत। क्या हुआ एनी? मैं बिल्कुल अकेली हूँ मनप्रीत, मुझे जीत चाहिए मनप्रीत। प्लीज मनप्रीत, प्लीज हेल्प मी मनप्रीत। मनप्रीत एनी, मनप्रीत एनी, मनप्रीत I think I need to operate her. Please complete the formalities. हेलो जी, मैं मनप्रीत बोल रही हूँ। एनी की हालत बहुत सीरियस है, आप जल्दी से शुभांगी हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। एनी तुम्हें कहाँ मिली वो? ये सब पूछने का टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, मैं भी आता हूँ शुभांगी हॉस्पिटल में। Are you still waiting here? We have no time. Please sign the papers. You brought her here. How do you know her? What's your relationship with her? She is my husband's wife. Come on, hurry up. Man.
एनी कहाँ है? उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। वाहे गुरुजी, सब ठीक कर देंगे। Luckily, you brought her on right time. Mother and daughter are fine. I want to meet her. Hey, man, where are you going? I'm her father. But I'm sorry, she doesn't want to meet anyone. I want to meet my daughter. I want to meet her. I'm sorry, she doesn't want to see anyone. But doctor, Annie doesn't want to meet me. मुझसे नहीं. पुत्र की बनाया आज? जी लौकी के कोफ्ते बाबूजी। अरे मजा आ जाएगा। लौकी के कोफ्ते अब तो खाने ही पड़ेंगे। चुप। खाने ही पड़ेंगे। बाबूजी। ओ क्या? बाबूजी। क्या हो गया? लुट गई थी मैं, बर्बाद हो गई बाबूजी। ओहो क्यों है तनू? गल की है? मैं जोगिंदर के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे मार डालो, मेरा गला घोट डालो। कमली हो गई, कमली हो गई है। ओ दीदी, मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? जी, आप ही ने मेरी शादी कराई थी, अब आप ही मेरा डिवोर्स कराइए। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। वो लेकिन हुआ क्या है तन? कोई सोच भी नहीं सकता क्या हुआ। ऐ देखो, ऐ देखो, ऐ देखो, मैं ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ? लाए दोनों कमला, दोनों कमला। तो चुप कर, मार खाएगा। ए बबल्स, माय बबल्स, माय बबल्स। जोगी, तू ऐसे कपड़े पहनने को कैसे बोला इसको? तेरा दिमाग खराब हो गया? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ बाबूजी, दिमाग ऐसा खराब होया है। विदेश में आके विदेशी खाना खाती है, विदेशी बिस्तर पे सोती है, विदेशी गंदी गंदी पिक्चर देखती है। अब ये विदेशी कपड़े पहनने में से क्या तकलीफ है? पहनने पहनने मडोना लगेगी। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जब मैंने तुमसे शादी की थी अच्छे खासे इंसान थे, और अब देखो एकदम बदबूदार झींगे लगते हो। चुप है। जब मैंने तुमसे शादी की थी ना, तब तू प्यारी सी लड़की लगती थी। ऐसे लगता था कि जैसे शोरूम में मारुति गाड़ी खड़ी है। अब हालत देखो, विदेश में खा खा के भैंस की तरह मोटी हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब में बड़ा सा ट्रक चल रहा है जिसका टायर पंचर हो गया है। I know it, Babuji. What do you want to tell me? But I also want to tell you something very important. You know, I know the rules and regulations of this country, and I shall go and visit the Commissioner of India and tell him that you guys have robbed my passport, and I shall put you all behind the bars. Chup ra! Bastard ji! Pagal ho gaye ho kya? Babuji ke samne ke aisi baatein karte hain? Passport, passport, passport. Main to tang aa gayi hu sun sun ke. Arey, kuch to sharam lihaz rakho Babuji ke samne. Tumhe tumhara passport chahiye na? Yes. Passport chahiye na? Yes. Abhi deti hu main. हाय रब रे, इस पासपोर्ट ने जान निकाल दिया मेरी तो। ये लो अपना पासपोर्ट और दफा हो जाओ यहाँ से। चाहे जहन्नुम में जाओ, चाहे जलंधर जाओ, मैं रह लूंगी तुम्हारे बिना और रह लूंगी। दीदी, अरे पासपोर्ट तेरे पास था और मैं हमेशा ये सोचता रहा कि पासपोर्ट बाबूजी के पास है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जोगिंदर, बहुत प्यार करती है तुझसे, डरती है कि तू जलंधर ना चला जाए। हाँ, बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है तेरे से। हाँ, प्यार तो वैदे नाल मैं भी बहुत करना बाबूजी, बहुत प्यार करना मैं वैदे नाल। ए बबली, ए रोना बंद कर, मैं जलंधर तो जरूर जाऊंगा लेकिन अपनी बबली नू अपने साथ लेके जाऊंगा। लव यू। मैं देखता हूँ। कोई आया? यस, हु इज मनप्रीत? She's my wife, but what is the problem? I have this letter for her. Letter? All right.
क्या बात है जीत? बाऊजी, मनप्रीत के लिए कॉप्स आए और उसके लिए लेटर है। पुलिस? मैं तुम्हारी और जीत की दुनिया से दूर जा रही हूँ, लेकिन कुछ बातें जो तुमसे कहना चाहती थी कहना सकी। औरत अगर तुम जैसी है तो सिर्फ पूजा के लायक, और मेरे जैसी सिर्फ नफरत के। बचपन में ही मेरे माँ बाप चल बसे और जीत के प्यार को मैंने जिंदगी समझ लिया। ये मेरी गलती थी कि मैंने जीत को तुमसे दूर करना चाहा। एक वादा चाहती हूँ तुमसे, इस छोटी सी जान को अपने सीने से लगा कर रखना, क्योंकि शायद मैं उसे वो संस्कार नहीं दे पाऊँ जो तुम में है। अपनी बच्ची नहीं तो जीत का खून समझ कर ही उसे अपना लेना, और हो सके तो इसे कभी ये पता ना लगने देना कि इसकी माँ कौन थी। जिंदगी बिताने के लिए जीत की यादें मेरे साथ हैं। अगर हो सके तो छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। ठहरो, एक और जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रहा हूं, ये ले संभाल इसे। तेरी इस कुर्बानी के लिए हमारा सारा खानदान हमेशा हमेशा के लिए तेरा एहसानमंद रहेगा। दीदी, 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 वाहे गुरु, तेरे लख लख शुक्र है।